महामारी के चलते प्रशासन लाख दावे करता है कि नियमों का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, मास्क नहीं लगाने वालों के चालान किए जाएंगे। लेकिन नूरवाला के मजदूर स्टैंड की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की गाइडलाइंस का कितना पालन किया जा रहा है। हैरानी की बात तो यह थी कि उस वक्त वहाँ पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं था जब नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ रही थी। ना कोई सोशल डिस्टेंस नजर आ रहा था और ना ही लोगों ने मास्क का प्रयोग किया हुआ था। वहीं जब इस बारे में मजदूरों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि काम पर जाना उनकी मजबूरी है क्योंकि मजदूरी करके ही वह अपने परिवार का पेट भरते हैं। उनका कहना था कि लॉकडाउन के चलते सरकार द्वारा उन्हें कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई, जिसके चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मजदूरी ही उनका इकलौता सहारा है जिससे वह अपने परिवार का पेट पालते हैं। मजदूरों का क्या कहना था, आइए हम आपको सुनाते हैं। ऐसा है जी, काम पे आने की तो हमारी मजबूरी है, अगर काम नहीं करेंगे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। और ऐसा है, लॉकडाउन में जो भी सरकार ने दिया है गरीब आदमी को तो बहुत कम मिला है, ज़्यादा तो जो अमीर आदमी है जिन पे मिला हुआ था उन्होंने अपने अपने आदमियों को दिया और मजदूर आदमियों को कुछ नहीं मिला जी। और मजदूर आदमी क्या करे, अब काम पे नहीं आएंगे तो बच्चे भूखे मरेंगे। मास्क उनके क्या लगाएंगे, दिन में यहाँ मास्क लगा लेंगे तो काम पे जाएंगे, मास्क से काम नहीं होगा गर्मी में। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।